नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बॉक्स। उल्टा चोर कोतवाल को राठे, हार की आहट से बुरी तरह हड़बड़ाए पीएम मोदी। बाकी गोदी मीडिया के न्यूज चैनल की भविष्यवाणी हुई सच, तो प्रधानमंत्री जी ने देश के पत्रकारों को दिखा दी लाल आंख। आखिर क्यों मोदी के दोकले व्यवहार से परेशान हुए देश के बड़े बड़े न्यूज एंकर? अडानी, अंबानी और मीडिया के बाद अब कौन होगा मोदी का अगला टारगेट, जिसकी खुलेगी पोल? अब आप भी हमारा एपिसोड दिन भर की आवाज रोजाना देख सकते हैं खबर बॉक्स के यूट्यूब फेसबुक चैनल पर, जिसमें आपको मिलेगा सरकार की पोल पट्टी खोल देने वाली खबरों का विश्लेषण और बीजेपी की मोदी सरकार की असलियत से तो हम आपको रूबरू करवा ही देंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वर्तमान का समय देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। यह वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें देश का भविष्य कैसा होगा यह देश की जनता खुद तय करेगी। इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपना भविष्य बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टी अपना धुआंधार प्रचार कर रही है और सत्ता में बैठने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच कुछ जानकार कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मोदी जी का यह चुनाव फंसा हुआ है, और शायद ये सच भी है, क्योंकि जब से मोदी जी ने चुनाव प्रचार शुरू किया है तब से मोदी जी के बयान शेयर मार्केट और बाजार के ग्राफ की तरह कभी ऊपर तो कभी नीचे हैं। दोस्तों, मोदी जी के कई ऐसे बेतुके बयानों से लगता है कि वह हार की आहट से पूरी तरह से हड़बड़ा गए हैं। इसीलिए तो मोदी जी अडानी अंबानी को गाली दे रही हैं, उनको भ्रष्टाचारी कह रही हैं। ये काम मोदी जी को 10 साल पहले ही कर देने चाहिए थे, लेकिन इतने साल उनको अडानी अंबानी दिखे ही नहीं। चलो मान लेते हैं कि अडानी अंबानी का तो मोदी जी ने जोश में आकर बोल दिया होगा, लेकिन अब मोदी जी ने कमाल ही कर दिया। बीच चुनाव अब मोदी जी ने जो किया उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल अब मोदी जी ने अपनी गोदी मीडिया को ही खरी खोटी सुना दी। जी हाँ, 10 साल से पाली हुई अपनी गोदी मीडिया को मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मीडिया कांग्रेस के सहजादे के खतरनाक बयानों और उनके घोषणा पत्रों में मौजूद विनाशकारी विचारों का विश्लेषण नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि मीडिया करे तो क्या करे। मोदी जी तो बस यही चाहते हैं कि हर न्यूज हर चैनल पर सिर्फ बीजेपी के ही गुणगान चलते रहने। दोस्तों, इन सब में मोदी जी की गलती भी नहीं है। पिछले 10 सालों में मीडिया ने यही तो किया है, और डर के मारे अब भी कुछ गोदी मीडिया के चैनल यही काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब मोदी जी ने अडानी अंबानी को भ्रष्टाचारी घोषित किया था तो यह कहा था कि अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के नेताओं के घर पैसे भेजते हैं। उस वक्त भी मजाल है किसी गोदी मीडिया के चैनल की कि मोदी जी का यह भाषण चलाया हो। उस रात भी अंबानी के चैनल पर मोदी जी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे और राहुल गांधी को गालियां निकाली जा रही थी। यहां तक कि मीडिया तो यह भी पचा गया जब मोदी ने जिलों की राजधानी ढूंढ निकाली थी, फिर भी मोदी जी मीडिया को ही लाल आंख दिखा रहे हैं। अगर ऐसा ही काम राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता ने कर दिया होता तो मीडिया दिन रात उनके वीडियो चलाता रहता और कहता कि देखो ये पप्पू हैं, यह देखो राहुल गांधी जी ने नई खोज कर दी है, जिलों की राजधानियां ढूंढ निकाली है। दोस्तों, मोदी जी ने वही किया जो बीते दिनों न्यूज चैनल के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा था। आपकी जानकारी में नहीं है तो आपको बता दें कि सुभाष चंद्र ने मोदी, अमित शाह और योगी की रैली को न्यूज पर लाइव दिखाना बंद कर दिया, और साथ में यह भी कहा कि मेरे पतन का कारण मुझे अपने ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था, हमें इसे समझकर अपने व्यवहार में बदलाव करने में ही लाभ है। दोस्तों, चंद्र के इस पोस्ट का साफ मतलब आज पता चलता है कि उनको पहले ही यह समझ आ गया था कि अब चाटुकारिता का कोई फायदा नहीं है। चंद्रा को इस बात का पहले ही एहसास हो गया था कि शायद मोदी जी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आज वही हुआ। मोदी जी ने अपना चुनाव निकालने के लिए मीडिया को ही दोषी बता दिया, या यूं कहें कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन पीएम मोदी एक बात जरूर भूल गए कि अभी तक तो उनका साथ केवल जी न्यूज ने ही छोड़ा है, बाकी न्यूज चैनल तो अभी भी उनके गुणगान गा रहे हैं। लेकिन अगर मोदी अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ही मीडिया को खरी खोटी सुनाते रहे तो वो दिन अब दूर नहीं जब मीडिया मोदी के खिलाफ होगी। खैर दोस्तों, अभी तो लगभग 20 दिन बचे हुए हैं और इसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल तो मोदी जी की हालत पूरी तरह से खराब है। उनका ग्राफ तो हर नए दिन ऊपर नीचे जाता जा रहा है।
अब तो देखना यह है कि हर ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए मोदी जी अपना अगला निशाना किसको बनाते हैं। दोस्तों, मोदी जी के इस दोखले व्यवहार पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आज की सबसे बड़ी खबर देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।